हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरोना के चलते पहली बार विधायकों को दर्शक दीर्घा में भी बैठाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा मानसून सत्र बुलाने के संकेत देने के बाद विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि मानसून सत्र कब बुलाया जाएगा इसका फैसला सरकार करेगी। जब भी सत्र की घोषणा की जाएगी विधानसभा तुरंत उसके प्रबंध कर देगी। उन्होंने कहा कि सत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। बता दें कि सदन में सीएम सहित सभी 90 विधायकों के बैठने का प्रबंध है। मंत्रियों सहित अधिकतर विधायकों के बैठने के लिए डबल सीटिंग वाले बेंच हैं। मानसून सत्र में एक बेंच पर एक ही विधायक के बैठने का प्रबंध किया जाएगा, इसलिए यह तय किया है कि सत्र में दर्शकों की एंट्री नहीं होगी। स्पीकर, दर्शक दीर्घा व दूसरे दर्शकों के लिए बनी गैलरी को भी सदन के साथ जोड़ा जाएगा। यहां विधायकों के बैठने का प्रबंध होगा। दर्शकों की गैलरी में 100 के करीब लोगों के बैठने का बंदोबस्त है। यहां 20 विधायकों के बैठने का प्रबंध किया जा सकता है। इसी तरह से आम दिनों में स्पीकर दर्शक दीर्घा में 30 के करीब लोग बैठ सकते हैं, लेकिन अब यहां 14 से 15 विधायकों के बैठने का प्रबंध किया जाएगा। 45 विधायक सदन में एडजस्ट हो सकेंगे। इसी तरह अधिकारियों व मीडिया गैलरी में भी फिजिकल डिस्टेंसिंग के हिसाब से सीटिंग प्लान बनेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नियम के अनुसार 6 महीने में सत्र की बैठक बुलानी अनिवार्य है। मार्च में बजट सत्र संपन्न हुआ है, ऐसे में अभी मानसून सत्र में समय बाकी है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।